उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के शासन काल में भी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगनेर बांध धनौली की। यहां दो महीने से जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बना है। पानी इतना भरा हुआ है, ना ही सड़क दिखाई देती है ना ही नाला। कब मुसाफिर मौत के मुंह में चला जाए कोई कह नहीं सकता। पूरा मामला जगनेर मार्ग धनौली का है। यहाँ जल निगम की कार्यदायी संस्था CNDS ने 6 वर्ष पहले मलपुरा से धनौली और नरीपुरा तक RCC का नाला बनवाना शुरू किया था। इसकी गहराई करीब 8 और चौड़ाई 4 फीट है। नाला निर्माण में अनियमितता बरती गई। आपको बता दें, सिरौली मोड़ सहित कई जगह इसे अधूरा छोड़ दिया गया। दो महीने से जूझ रहे हैं क्षेत्रीय लोग। सिर्फ प्रशासन पानी निकासी के नाम पर खाना पूर्ति कर रहा है। जल भराव के कारण सड़क की डाबर कट गई है, गिट्टियां उखड़ चुकी हैं और जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। किसी दिन तो पूरे दिन जाम की स्थिति रहती है, लेकिन इस ओर किसी नेता अभिनेता का कोई ध्यान नहीं। सिर्फ नेताओं को अपने वोट की फिक्र है, जनता की नहीं। जनता को कीड़े मकोड़े समझ रखा है। सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कागरौल के किदवई इंटर कॉलेज में आए थे, लेकिन भाजपा के नेताओं ने धनौली की तरफ उनका रुख नहीं करने दिया। तो वहीं किसान नेता सावित्री चाहर ने बताया कि इस गंदगी भरे नाले से निजात पाने के लिए 90 दिन धरना भी चला था, लेकिन क्या हुआ, धनौली की समस्या वहीं की वहीं है। हमें तो लगता है ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। हमारे पिताजी के जमाने में सही नहीं हुई, अब हमारे जमाने में सही नहीं हो रही। लगता है हमारे बच्चों के भी सामने ये समस्या यूं ही बनी रहेगी। अब बीच में अधूरे नाले को बनाना शुरू कर दिया गया है। नरीपुरा की ओर से आने वाला गंदा पानी अजीजपुर धनौली सब्जी मंडी में 100 मीटर के दायरे में हिलोरे मार रहा है। विभागीय स्तर से कम क्षमता की मोटर को कम व्यास के पाइप के जरिए जल भराव का समाधान सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। अगर जल्द ही प्रशासन ने उचित कदम नहीं उठाए तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जगनेर मार्ग व्यस्त मार्ग है। हजारों की संख्या में ग्रामीण और राहगीरों व्यापारियों का निकलना रहता है। रोजाना एक दो व्यक्ति नाले में गिर जाते हैं। उनका तो सिर्फ ईश्वर ही रखवाला है, ये भी पता नहीं रहता कि आज हम सही सलामत घर पहुंचेंगे या नहीं। आगरा से संजय प्रजापति की रिपोर्ट। राम राम जी, मेरा नाम गोस्वामी अंजेश गिरी है। धनौली के हालात तो आप पत्रकार हैं, आप स्वयं देख रहे होंगे, और आप ही हैं जो हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। जहां जानी चाहिए, जिनके कानों पर नहीं पहुंच रही, वहां तक पहुंचाइए और दिखाइए उनको अपने वीडियो के माध्यम से, अपने समाचार प्लस के माध्यम से उनको दिखाइए कि क्या समस्या है यहां पे। 50 करोड़ का नाला पास किया है और वो गति कैसी चल रही है, आपको बताएं कि दुनिया में सबसे स्लो चलने वाला जानवर होता है स्लॉथ। स्लॉथ वाली गति चल रही है, जो स्तनधारी जीव होते हैं जो बहुत ही धीरे धीरे, मतलब रेंगने से भी धीरे चलते ना, ऐसी प्रगति चल रही है काम की। तो आप देखिए और हमारी बात पहुंचाइए। अब मैं किसको भला कहूं, किसको बुरा कहूं, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तो लेना कोई चाहता ही नहीं है, तो आप बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? आप पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए कौन जिम्मेदार है भैया। क्या कोई दुर्घटना हो सकती है? क्या हालात हैं ऐसे वहाँ पे, ये कहने की आवश्यकता है? आप पत्रकार हैं, आपने खुद अभी देखा होगा, आपने विजुअल लिए होंगे कि वो अभी आपने शायद रिकॉर्ड कर पाया नहीं करवा, 2 ई-रिक्शा अभी हाल में ही पलटे हैं। डेली इसमें लोग गिरते हैं भैया, किसी का पाँव टूटता है, किसी का सर फटता है, कोई बच्चा डूब जाता है, उसमें पानी कितना भरा हुआ, गाड़ी होगी तो रेड़ मरी हुई है भैया। नाले ना साफ होते हैं, 7 साल 2 साल 3 साल हो जाते हैं, नाला टूटा हुआ है बरसानी, लेकिन अब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कितना समय हो गया इस तरीके से? 4 महीने हो गए, 4 महीने से कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान के पास जाओ, प्रधान भी अब तक नहीं आता है, और प्रमुख के पास जाओ, प्रमुख भी नहीं आता है। अभी यहाँ कागरौल में रक्षा मंत्री आए थे, क्या अवगत कराएगा? लेकिन ऊपर होके निकाले, PIT रोड पर होके निकालते, पानी भरा हुआ है, इस वाले को निकालते जब मालूम पड़ता तो उन्हें कैसे हम नरक में रह रहे हैं। तो क्या यहाँ मोटरसाइकिल वाले गिर भी जाते हैं? क्या गिर जाते हैं वगैरह, जो बच्चों है ना, उनकी हालत देखो, एक बार देखोगे ना तो जब मालूम पड़ेगा, नेता लोग पैदल आए ना, जब मालूम पड़ेगा यहाँ पे पानी का हाल क्या है। और इसके बाद में भी जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो... बहन क्या नाम है? मेरा नाम सावित्री है। कौन सी जगह है ये? ये जगह है धनौली जगनेर रोड, धनौली सब्जी मंडी है। क्या ये स्थिति कैसे बनी हुई है? ये क्या है स्थिति? यहाँ इतना कर रहा है, वो जाम लग रहा है यहाँ, तकरीबन कम से कम पहले भी धरना दिया, यहाँ
और साल डेढ़ साल से इसी तरीके से, अभी तो बरसात शुरू हुई है, पूरी गर्मी निकल गई, सर्दी निकल गई, इसी वजह से यहाँ नरक बचा हुआ है, पानी भरा हुआ है। आप बताओ क्या यही विकास है? कितने आपने धरना दिया था यहाँ? अगर हम धरने पर मजबूरी में बैठते क्षेत्रीय जनता के साथ, तो फिर भाजपा के जो बड़े बड़े नुमाइंदे वो कहते हैं कि आप नेतागिरी कर रही हो, तो इसका मौका क्यों देते हो? इसे जनता के चेहरे की जरूरत ना पर क्या दिखाई नहीं दे रहा है? अभी 25 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की वो रैली हुई, सभा हुई है कड़कुमा में, तो उसको यहाँ से नल लगाके उधर फतौरी होके निकाला है, सच्ची बाईपास पर चढ़ाए। अगर इनके उसमें दम थी तो इसी रोड से निकालते, इनकी करनी और कथनी की पता चलता कि क्या इनकी करनी में और कथनी में फर्क होता है। दुनिया जूझ रही है, जनता क्षेत्र की सर्विस नरक से जूझ रही है, क्या यही विकास है? लगभग कितना दिन हो गए इसको ऐसे ही चलते? इसको समझ लो पूरी साल निकल चुकी, लेकिन काम गर्मी निकल गई, अभी बरसात तो शुरू हुई है, अभी पूरा जेठ मास में निकल गई, इसी तरीके से गर्मी, इसी तरीके से जनता डेली की घटना होती है, डेली की वारदात होती है, आप देखते होंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।